कुलदीप राजन एक लड़की के दिमाग पर ऐसा कारनामा कर चुके हैं कि लड़की ना तो सोती है और ना ही जागती है, क्योंकि अगर वो जागती है तो पवनदीप सामने दिखते हैं और सोती है तो सपने में उसे पवनदीप दिखते हैं। जी हाँ, आज हम आपको पवनदीप की एक ऐसी छोटी फैन से मिलाने जा रहे हैं जो पूरी तरह से पवनदीप के लिए पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की रहने वाली गरिमा गुप्ता की बात कर रहे हैं जो कि 13 साल की है। गरिमा गुप्ता पवनदीप की इतनी बड़ी फैन है कि वो पवनदीप के हर एक एपिसोड को देखती है और अगर कोई एपिसोड छूट जाता है तो मानो उसकी सामत आ जाती है। जी हाँ, गरिमा पवनदीप का ऑडिशन नहीं देख पाई थी, लेकिन पहला एपिसोड जब उन्होंने देखा तो वो उनकी पूरी तरह से कायल हो चुकी थी। उसके बाद से गरिमा ने पवनदीप का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। कभी कभी अगर वो घर वालों की वजह से टीवी नहीं देख पाती थी तो उनकी दादा दादी से लड़ाई भी हो जाती थी। ऐसा हम नहीं बल्कि गरिमा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो 13 साल की है और इतनी छोटी उम्र में गरिमा ने पवनदीप की पेंटिंग भी बनाई है, जिसे देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये पेंटिंग इस बच्ची ने बनाई है। पवनदीप के जादू ने लड़की को पूरी तरह से उनका दीवाना बना दिया है। लड़की ने बताया कि वो पवनदीप की इतनी बड़ी फैन है कि उन्हें नींद भी नहीं आती है और वो रातों में पढ़ाई करती है ताकि वो पवनदीप की भी फैन बनी रहे और उनके करियर पर भी बुरा असर ना पड़े। हालांकि वो पढ़ाई से थोड़ा सा कतराती जरूर होंगी, अब ये बात तो उनके करियर के लिए भी खराब हो सकती है, उनके करियर पर गलत असर डाल सकती है। लेकिन गरिमा ने कहा कि वो पेंटिंग की शौकीन है और उसी में अपना करियर बनाएगी। जब वो पेंटिंग बनाती हैं तो पूरा फोकस उसी में देती हैं। जैसा कि आप पवनदीप की पेंटिंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गरिमा ने इसमें कितनी मेहनत और कितना टाइम लगाया होगा। गरिमा ने पेंटिंग में पवनदीप के साथ विनर लिखा है और उस पे विनर की ट्रॉफी भी बनाई है जो पवनदीप इंडियन आइडल में मिली थी। पवनदीप के इस दीवानी फैन के लिए आप क्या कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल को फिर से निराश कर दिया गया। उनके चेहरे की हंसी कुछ देर में गायब हो गई। बड़ी उम्मीदों के संग अरुणिता मंच पर गई थी, लेकिन सब पर पानी फेर दिया। अरुणिता को उदास निराश होकर इंडियन आइडल के मंच से लौटना पड़ा। अरुणिता का उदास चेहरा देखकर पवनदीप भी अपसेट हो गए। दरअसल हुआ ये कि पवनदीप अरुणिता हाल ही में इंडियन आइडल के मंच पर 26 जनवरी की शूटिंग करने गए थे। यहाँ पवन अरुणिता की परफॉर्मेंस से ज्यादा इनके रिश्ते की टांग खिंचाई की गई। अरुणिता मंच पर होती है, उन्हें माइक की जरूरत पड़ती है, तो पवनदीप अरुणिता को माइक देने मंच पर आते और इसी सीन को कैप्चर कर लिया जाता है और कई बार उनके वॉलेट वाला सीन भी कैप्चर कर लिया गया। तभी हिमेश रेशमिया कहते हैं कि पर्स भी अरुणिता के पास है। जी हाँ, HR खुद कहते हैं कि पवनदीप का पर्स अरुणिता के पास है और अरुणिता उनका पर्स रखती हैं। अब मंच पर सबके सामने ये बात सुनकर अरुणिता का चेहरा बन गया, उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई, उन्हें गुस्सा भी आया क्योंकि वो कुछ ही देर के लिए गई थी और उसमें भी पवन और रिश्ते की गंदी वाली धज्जियां उड़ाई गई। अरुणिता के चेहरे के बता रहे हैं कि उन्हें HR पर गुस्सा आया और वो अपना गुस्सा पी कर रह गई क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाई और पवनदीप अरुणिता की परेशानी समझ गए, इसलिए वो अरुणिता को चुपचाप वहां से लेकर चले आए। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, जब जब अरुणिता पवनदीप इंडियन आइडल के मंच पर जाते हैं कुछ इन्हीं तानों को फेस करना पड़ता है। और जब तक ये इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे तब तो इन्हें हर रोज ऐसे ही ताने मिलते थे। पवन अरुणिता के लिंकअप की हर एक खबर को क्रिएट किया गया और इसी वजह से मेकर्स ने शो की खूब TRP भी बनाई। पहले आपकी नजर में ये सब ठीक है क्या? क्या पवनदीप अरुणिता का पर्सनल रिश्ते की ऐसे धज्जियां उड़ाना, उनका ऐसे मजाक उड़ाना ठीक है? और कब तक पवनदीप अरुणिता इस तरह का मजाक सुनते रहेंगे? आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप की हर चीज पर अरुणिता का अधिकार होने लगा है। पवनदीप के कपड़ों पर ही नहीं, पवनदीप की हर चॉइस भी अरुणिता ही सेलेक्ट करती हैं। और अब तो अरुणिता पवनदीप का वॉलेट भी रखने लगी हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आप खुद वीडियो में देख लीजिए। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता हाल में इंडियन आइडल के मंच पर शूटिंग के लिए गए थे। हालांकि इनके शूट में भी ये किस्सा दिखाया गया और बहुत जल्द आप इनका ये एपिसोड देखने वाले हैं। 26 जनवरी को इनका ये एपिसोड दिखाया
दिखाया जाएगा। और इसी एपिसोड से पता चला कि पवनदीप का वॉलेट अरुणिता रखती है और ना जाने क्या क्या चीजें अरुणिता उनकी संभाल कर रखती है, एक तरह से पत्नी की तरह हक जमाने लगी है। और जब मंच पर पवनदीप को अपने वॉलेट की जरूरत पड़ी तो अरुणिता ने पवनदीप का वॉलेट दिया और सभी ने देख लिया और सभी को पता चल गया कि अरुणिता पवनदीप का कितना ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, सुनने में आ रहा कि अरुणिता पवनदीप के कपड़े भी डिसाइड करती है और अरुणिता के पसंद के कपड़े पवनदीप पहनते हैं। जब पवनदीप का वॉलेट अरुणिता के पास देखा गया तो लोग अरुणिता पवनदीप को तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट भी देने लगे, पूछने लगे कि आखिर पवनदीप का पर्स अरुणिता के पास क्या कर रहा था, क्या सच में पवनदीप अरुणिता पर इतना भरोसा करते हैं। और भरोसा भी किसी खास इंसान पर ही किया जाता है, इसका मतलब ये है कि पवनदीप के लिए अरुणिता ही वो खास इंसान है बल्कि इनकी फैमिली की सदस्य भी बनने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अब लोग यही बोल रहे हैं कि क्या पवनदीप अरुणिता की शादी होने वाली है, इसलिए ये जिम्मेदारियाँ पवनदीप अरुणिता पहले से ही संभालने लगे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडियन आइडल में फिर से पवनदीप अरुणिता की शादी का किस्सा दिखाया गया। जी हाँ, इंडियन आइडल के मंच पर आए और पवनदीप अरुणिता की रोमांटिक केमिस्ट्री और शादी का किस्सा ना बताया जाए तो ये शो का एपिसोड कंप्लीट भी नहीं होता है। जी हाँ, आदित्य नारायण इस जोड़ी को मिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं और एक बार फिर इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप अरुणिता का वो किस्सा दिखाया गया जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए और ये भी साबित कर दिया कि अरुणिता ही राजन परिवार की बहू बनने वाली है। और ये रिश्ता अरुणिता के घर वालों ने भी स्वीकार कर लिया। अरुणिता ने खुद रिश्ते का हाथ आगे बढ़ाया। दरअसल हुआ ये कि ऋषि और पवनदीप ने एक साथ परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि हर किसी ने खड़े होकर इन्हें सम्मान दिया। और तो और, इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए पवनदीप के घर वाले तैयार बैठे थे। चंपावत में पवनदीप के घर वाले और आसपास के लोग टीवी पर ऋषि और पवनदीप की परफॉर्मेंस देखने के लिए रात में सब इकट्ठा हुए थे। तभी शो से ऋषि ने लाइव वीडियो पर चंपावत में बात की और सभी ने ऋषि को शुभकामनाएं दी, उन्हें बधाई दी। और चंपावत की जनता ने और पवनदीप के पिता ने कहा कि वो ऋषि की परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वो चाहते हैं कि ऋषि ही विनर बने। इतना ही नहीं, पवनदीप के पिता ने पवनदीप से कहा कि तुम अभी से ऋषि को बुक कर दो। वो इंडियन आइडल के शो से निकलने के बाद सीधे चंपावत में पहुंचे अपना पहला शो करने। ऐसे में ये बात सुनकर इंडियन आइडल की जनता और सभी लोग बड़े खुश हुए और बहुत और हंसी के ठहाके लगाने लगे। वही आदित्य नारायण ने यहाँ भी पवनदीप अरुणिता के रिश्ते की पोल खोलते हुए बड़ी बात बोल दी। आदित्य नारायण ने कहा कि पवनदीप तुम ऋषि को बुक तो कर दो लेकिन ये एडवांस अरुणिता देंगी। ये एडवांस पवनदीप के घर से अरुणिता कांचीलाल करेंगी। यानी साफ है कि अरुणिता कांचीलाल पवनदीप के घर की सदस्य अभी से बन चुकी हैं। और इस बात पर अरुणिता की बटुए से 101 रुपए नेक के तौर पर ऋषि को दिए गए जो कि अरुणिता ने पवनदीप के परिवार की तरफ से खुद दिए। मतलब अरुणिता भी इस परिवार में शामिल होने के लिए तैयार है। ये सब देख कर शो की रौनक आ गई और इस एपिसोड को देखने के लिए काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड है। तो आने वाले शनिवार और रविवार को आप पवनदीप अरुणिता का ये स्पेशल एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर ऐसे ही रोमांटिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें।